हाय फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लाया हूँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, समय है हमारे पास 24 और हम उसी में बहुत सारे हमें काम करने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे दिनचर्या के जीवन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उन सब में भी हमारा टाइम देना पड़ता है, जैसे स्लीप, फ्रेशअप, ब्रेकफास्ट, होमवर्क, प्लेइंग, सब एसेंशियल थिंग्स हैं। मैंने इनको 24 आवर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हम देखेंगे कि जो चीज हमारे जीवन में जरूरी है उस चीज को हम कितने समय दे रहे हैं, फिर उसमें से जो समय बच रहा है और जिसकी डिमांड है हमें, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके अनुसार तो आपके पास डिमांड होगा ना, समय की डिमांड होगी कि भाई इतना समय लगेगा हमारे पास। तो हमने इस चीज को दो पार्ट में बांटा है। तो देखिए, 24 आवर को दो पार्ट में बांट करके और इस चीज को समझते हैं। अगर हम बात करें स्लीप की, देखिए मैंने सबसे पहले स्लीप रखा है। स्लीप में हम लोग जो नींद सोना है वो इसेंशियली चीज, बहुत जरूरी चीज, क्योंकि आप जितना अच्छा नींद लेंगे उतना ही अच्छा आपको पढ़ने में मन लगेगा, आपका मेमोरी पावर है जो बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। इसलिए हमने स्लीप को सबसे ज्यादा कहते हैं ना रेटिंग देना, तो हमने सबसे पहले स्लीप को ही रखा। और सोने के बाद उठने के बाद ही कोई काम होता है तो हर सुबह की एक नई किरण होती है, तो हमने सोने को पहला दिया है प्राथमिकता। तो देखते हैं पहले कि अगर हम स्लीप को देते हैं तो कम से कम आपको इसमें 6 घंटा सोना चाहिए, कम से कम मिनिमम, मतलब एक इंसान को 6 घंटा सोना चाहिए। आप जितनी अच्छी नींद लेते हैं नहीं अच्छा आपको काम करने में मन लगता है, जिस काम को आप करना चाहते, चाहे वो स्टडी हो चाहे और भी कोई काम हो आपका, उस काम को करना चाहते, तो आप जितना अच्छा नींद लेंगे उतना ही अच्छा आपका ये काम में मन लगेगा। दूसरा, हमने फ्रेशअप फ्रेशअप चूज किया। अब फ्रेशअप में बात है क्या, देखिए सुबह में हम जब उठते हैं तो हमारे पास जैसे सुबह उठते ही फ्रेश टूथपेस्ट ही वगैरह, ब्रश, मुंह धोना, खुला करना, ये सब हाथ में जितनी भी चीज वो सब हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अगर कैसे भी करें तो हमें 2 आवर्स लग ही जाएंगे, हमने 2 आवर्स ले लिए इसके लिए, ठीक है। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि टेक फूड। अब टेक फूड में हमें जो भोजन देते हैं उसमें ब्रेकफास्ट है, डिनर है, लंच है, आप जो भी चीज है, जितने भी आप दिन भर में जितना भी बार खाना खाते हैं उसी को ले लीजिए, तो लगभग हम इसको भी 2 आवर्स ले लेते हैं, 2 घंटा ही, ठीक है। तो 2 घंटा इसको ले लेते हैं। फिर होमवर्क है, देखिए हर देखिए कोई कोई बच्चा ऐसा है, चाहे कोई कोई इंसान ऐसा होता है जिसको कोई काम नहीं है, मतलब घर का कोई काम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि घर में कोई काम नहीं है उसको, बस उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करना है, दूसरा कोई काम ध्यान नहीं, तो उसके लिए तो भाई वो अपना सोचे। लेकिन कोई कोई है जिसको अपना काम भी करना है, थोड़ा बहुत कैसे भी करेगा तो थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है। तो इसको अगर आप अपने अनुसार चुन लीजिएगा कि आपको इस होमवर्क करने में कितना समय लगता है। अगर मैं इसको चुनूं तो ये 2 आवर्स ले लीजिए, इसको भी आप बढ़ा भी सकते हैं इसको, तो 2 घंटे ये भी ले लेते हैं। फिर सबसे प्यारा चीज जो आपको अच्छा लगता है, अगर पढ़ाई से पहले कोई चीज अच्छा लगता है वो है आपका खेलना, तो इस चीज को भी आप ले लीजिए। क्योंकि अगर खेलते हैं फिर कोई कोई ऐसा भी है कि कोई कहता है कि अगर आप खेलने चले जाते हैं रूम में आइसोलेट होके पढ़िए, ये नहीं है सही, पर खेलना भी चाहिए, इससे भी आपका माइंड जो है डेवलप होगा। तो इसको भी अगर ले ले, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैक्सिमम खेलना ही चाहते हैं अधिक और फिर पढ़ाई करना चाहते हैं, खेल कर भी पढ़ना चाहते हैं, तो अगर हम अधिक समय लें इससे तो इन दोनों को टोटली करके ही ले लीजिए। तो अगर 4 आवर्स लेते हैं इसको, अब हम टोटल देखेंगे कि हमारा एक तरफ जो इसेंशियल थिंग्स है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल टाइम रिक्वायरमेंट है, उसको हम देखें तो आपके
कितना होता है? तो टोटल हो गया 6 2 8 10 12, 12 4 16, यानी 16 घंटे में हमने पूरी दिन 24 घंटे में से हमने 16 घंटा इन सब कामों में निकाला। अब हमारे पास कितना बचा? 8 घंटे बचे। अब 8 घंटे कोई कम नहीं होता है, ये 8 घंटे अगर हम रेगुलर पढ़ाई करें डेली तो ये कोई कम नहीं है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। 8 घंटे अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत है। तो मैं यही कहूंगा कि अब आपका डिमांड ये जो है कि 8 घंटे में आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या क्या करना है, कौन सी क्लास करनी है, आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लीजिए और फिर पढ़ाई कीजिए। 8 घंटे रेगुलर पढ़ना कोई कम नहीं है। अब इसमें दो तरह के काम आ जाएंगे, कोई कहेगा कि हम इसमें क्लास करेंगे, 8 घंटे में हमको क्लास भी करना है फिर सेल्फ स्टडी भी करना है। तो आप इस तरह से टाइम को अपने अनुसार देख लीजिए कि इसमें हम अब 8 घंटे जो मेरे पास बचा है तो इसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें जिसमें हमारा क्लास भी और सेल्फ स्टडी भी। अगर आप कंटिन्यू में ऐसा ही करते हैं तो बहुत है पढ़ने, बहुत है टाइम ये पढ़ने, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इतना समय तो बहुत होता है जब आप ये रेगुलर करते हैं। अब एक दिन पढ़ लिया दूसरा दिन छोड़ दिए तो फिर सॉरी फॉर दैट। तो मैं यही कहूंगा कि 8 घंटे कोई कम नहीं होता। फिर अगर इसमें कोई कहता है कि 8 घंटे से मेरा काम नहीं चलेगा तो आप इसके अनुसार इसमें थोड़ा कम अधिक तो कर ही सकते हैं ना। तो इसको आप देखिए अच्छी तरह से और आपका जितना रिक्वायरमेंट है इधर मतलब कंपल्सरी चीजों का जितना रिक्वायरमेंट है आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आपका डिमांड क्या है उसके अनुसार सेटअप कीजिए अपना। और रूटीन देखिए वैसे नहीं बना जाए, रूटीन की बना लिए कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है रोज रोज रोज, इस तरह आप देखिए एक दिन पढ़ लिए फिर दूसरे दिन आपकी डिमांड क्या है किस चीज को पढ़ना है उसके अनुसार आप कल के लिए एक ऐसा डायरी रखिए उस पर लिख लीजिए कि हमको क्या पढ़ना है कल, और फिर उसको और वो भी 8 घंटे की समय अवधि में ही आप उसको पूरा कर लें ऐसा बनाइए। तब इस तरह से आपका कंटिन्यू चलेगा और आप सिंपली किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बढ़िया से पास कर सकते हैं, बढ़िया नंबर अचीव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।